आज का दिन बहुत ही दुखद है। उर्दू अदब की बड़ी तहजीब का नाम राहत इंदौरी साहब था, और आज राहत इंदौरी साहब हमारे बीच में नहीं है। देश के ही नहीं, विदेशों में भी जिनकी पहचान और जिनकी लोकप्रियता का हर कोई कायल है, आज ऐसे शायर का हम सबके बीच से जाना निश्चित रूप से दुखदाई है। आज हम राहत इंदौरी साहब से जुड़े कुछ संस्मरणों पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं मारूफ रायबरेलवी, इवा सायर और मंचों के बेहद उम्दा संचालक हैं मारूफ भाई। मारूफ भाई, आपका रायबरेली एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद अनुज भाई। जैसा कि हमारे आपके लिए और साहित्य के दोनों हलकों के लिए, हिंदी और उर्दू दोनों के लिए, ये बहुत ही दुखद है राहत साहब का इस तरह हम लोगों के बीच से चला जाना। एक बेबाक जिंदगी जीने वाला शख्स इतना बड़ा शब्द सागर और इतनी खामोशी से हम सबके बीच में चला जाए, तो निश्चित ने स्वयं कहा, राहत साहब ने स्वयं कहा था मारू भाई कि वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। तो आप राहत साहब के काफी करीब रहे हैं, आपने उनके साथ कई मंचों को साझा किया है, आप राहत साहब का जाना किस नजरिए से देखते हैं? राहत इंदौरी साहब का जानना, मैं अनुभव एक बात आपसे कहूं कि मंच संचालन, जैसा आपने मेरे परिचय में कहा, या निजामत जिसे कहते हैं, ये उसी के सुपुर्द की जाती है जिसको बोलने की कला लोग समझते हैं कि आती है। और मैंने बहुत जी सारे ऊपर वाले का कर्म है कि बहुत सारे मंचों का संचालन किया, लेकिन आज मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह बयान करूं कि राहत इंदौरी साहब क्या थे और उनके चले जाने पर किन शब्दों में मैं बात कहूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं सबसे पहले, अगर आप इजाजत दें, तो मैं श्रद्धांजलि पूर्वक दो शेर पढ़ना चाहता हूं और उसके बाद अपनी बात शुरू करना जी चाहता हूं। बिल्कुल 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 मान एक मतलब और एक शेर ये है कि कतरे खूने जिगर को चश्मे तर तक ले गए, कतरे खूने जिगर को चश्मे तर तक ले गए, तर तक ले अब के गए। आए ऐसे बादल, अब के आए ऐसे बादल मेरा घर तक ले गए। और ये तमाम उनके परिवार की तरफ से मैं कह रहा हूं कि घर तक ले गए, तुमको जाना था तो जाते, ये गजब कैसा किया, तुमको जाना था तो जाते, ये गजब कैसा किया, गम छुपाकर मुस्कुराने का हुनर तक ले गए। राहत इंदौरी गम साहब छुपा कर मुस्कुराने का। वो शख्सियत थे अनुज भाई, कि आमतौर पर एक कामयाब इंसान किसी जिंदगी के एक या दो, बहुत ज्यादा तीन मैदानों में वो कामयाब हो सकता है, लेकिन वो एक ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक थे कि न जाने कितने मैदान थे जहां उनका सिक्का चलता था। और बहुत सारे कीर्तिमान हैं जो उनके नाम हैं, और वो उस जमाने में लोकप्रिय थे। आज का जमाना हमने देखा है, जब यूट्यूब है, फेसबुक है, तमाम और साधन है, टीवी चैनल्स भी एक से ज्यादा हो गए। पहले एक चैनल था, आज से 50 बरस पहले का वक्त याद कीजिए, जब सिर्फ एक वो काली रील वाली कैसेट चला करती थी। उस दौर में हिंदुस्तान के हर गांव, हर कस्बे हिंदी और उर्दू दोनों, जैसा आपने उनके परिचय में कहा कि हिंदी और उर्दू दोनों के जो लोग हैं, एक जैसी मकबूलियत पा लेना, एक जैसा सम्मान पा लेना, ये बहुत बड़ी बात थी। उसके अलावा हमारी उर्दू शायरी में भी दो हिस्से हैं, और वो हिंदी में भी है, कि एक तो वो मुशायरों का एक आम मंच है जहाँ आम लोग बैठ करके शेर सुनते हैं, जहाँ सादा शायरी सुनाई जाती है, और एक साहित्यिक ग्रुप है जिसे आप अदबी हलका कहते हैं हमारा। उस अदबी जुमरे में भी वो सम्मान के साथ सुने जाते थे, और उससे कहीं ज्यादा, बल्कि लगभग उसी तरह मुशायरों में, कई मुशायरों में जिस सम्मान के साथ सुने जाते थे, अदबी हलकों में भी वही इज्जत थी। उसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री कई नामवर फिल्मों में उन्होंने नगमे लिखे, और उसके अलावा भी बहुत सारी खूबियां थी। अगर दिया है, और अगर राहत साहब स्टेज पर हैं, तो हमें ये यकीन है, ये एक खास बात थी जो एक बड़े बुजुर्ग में होनी चाहिए। आज जब पता चला कि ट्विटर के जरिए कि उनकी तबीयत खराब है, 11 बजे के करीब हमने कई जरिए से पता करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने मना किया हुआ था कि फोन ना करें उनके बेटे से, लेकिन बहरहाल 11 बजे के करीब उनसे कांटेक्ट किया तो उनके बेटे से रहा हुआ,
वो थोड़ी देर पहले उसने बताया कि मैं अस्पताल से निकला हूँ और तबीयत थोड़ी सी बेहतर है, आप दुआ कीजिए, शायद आप सब लोग वासिफ फारूकी साहब हमारे मिलने वाले, उन्होंने फोन करके रब्ता किया, तो पता चला कि हम शाम तक सोचा था इरादा था की जाएगी, लेकिन क्या पता था कि दोबारा फोन करने की नौबत नहीं आएगी, और कोरोना से पहले वो दिल के रुकने की वजह से वो हमारे बीच नहीं रहे। आप ये समझिए कि यूनिवर्सिटी एक उर्दू हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा सुतून हमारे बीच नहीं रहा। बिल्कुल मारूफ भाई, जैसा कि आप बता रहे हैं, कोई यूं ही राहत इंदौरी नहीं हो जाता। राहत साहब के बारे में मैंने भी कहीं संस्मरण पढ़ा है, जब वो 9वीं क्लास में थे तो उनके कॉलेज में नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल में एक मुशायरे का आयोजन किया गया था, और जैसा कि उस संस्मरण में लिखा था कि राहत साहब को उस मुशायरे में शामिल होने वाले शायरों की खिदमत करने का जिम्मा सौंपा गया था, और उस मुशायरे में शामिल होने के लिए जानिशार अख्तर साहब भी आए थे, और राहत साहब ने अख्तर साहब की खिदमत की और उनसे कहा कि हम भी शेर पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना होगा। जानिसार अख्तर साहब हंसे और उन्होंने कहा इसके लिए 5000 शेर याद करने पड़ेंगे, और 5000 शेर याद करने के बाद जो अगला शेर होगा वो तुम्हारा होगा। राहत साहब ने तुरंत जवाब दिया कि इतने शेर तो मुझे आज भी याद हैं। और इसके बाद जब जानिसार अख्तर साहब उनको ऑटोग्राफ देने लगे तो उन्होंने अपने शेर का एक मिसरा लिखा कि मुझसे भागा न करो दूर गजालों की तरह। राह साहब ने बेसाख्ता तुरंत उसका दूसरा मिसरा तैयार कर दिया और उन्होंने लिखा कि हमने चाहा है चाहने वालों की तरह। तो राह साहब ऐसे राह साहब नहीं बने, निश्चित रूप से शुरू से ही उनके अंदर एक शायर जो जिंदा था, और राह साहब ने हर वर्ग की बात की, उन्होंने हर वर्गों के लिए शेर कहे और हर वर्गों की उन्होंने वकालत की, हर वर्गों के लिए उन्होंने संघर्ष किया अपने शेरों के माध्यम से। मैं चाहता हूं कि उनके कुछ ऐसे शेरों से आप हम सबको वाकिफ कराएं जिनके माध्यम से राहत साहब आम आवाम के शायर थे। बेशक राहत इंदौरी साहब का एक संस्मरण जो आपने बताया एक बहुत प्यारा संस्मरण है, उसके अलावा बहुत सारे किस्से हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। बस इस वक्त तो जैसा मैंने बताया कि दिमाग कुछ गुम गुम सा है, क्योंकि कहां इरादा था कि शाम को खबर पता की जाएगी कि क्या दुआएं हो रही थी हर तरफ सब दोस्त और क्या खबर। बहरहाल राहत इंदौरी साहब के नाम जैसा मैंने बताया था कि बहुत सारे कीर्तिमान उनके नाम हैं, उनमें से एक तो बहुत बड़ी बात थी, शायर तो बहरहाल बाकमाल थे ही वो, और लेकिन एक बहुत बड़ा काम ये था कि उनके आने से पहले तक मुशायरों में गजल है, श्रृंगार रस की जो शायरी है, गजल है जो हमारे यहाँ उर्दू में, गजल को ये शैली में थोड़ा तरन्नुम में पढ़ने का एक रिवाज था और वही बेहतर समझा जाता था, भला भी मालूम होता था। अगर आप जिगर साहब से, जिगर मुरादाबादी साहब से लेकर कुमार बाराबंकी साहब, मजरूह सुल्तानपुरी साहब, ये सब नाम देखेंगे आप, ये सब लोग कुछ तरन्नुम कुछ हल्का सा ये शैली में अपने काम पेश करते थे। राहत साहब ने आकर के न सिर्फ ये कि लोगों को बताया बल्कि करके दिखाया कि अच्छे शेर या शायरी को तभी सुनाया जा सकता है, जैसे हम आप बात कर रहे थे तो लफ्ज जिसे कह रहे हैं हमारे यहाँ, तो तहत में उन्होंने शेर इस अंदाज में पढ़े कि उस वक्त के बड़े बड़े लोगों ने कहा, बड़े बड़े शोरा ने कहा कि ये वो तहत है, ये वो अंदाज है पढ़ने का जिस पर हजार तरन्नुम हजार ये शैलियां कुर्बान की जा सकती हैं। और एक तो ये उनका बहुत बड़ा काम था और उसका असर ये हुआ अनुज भाई कि उस वक्त लगभग लगभग 70-80% से ज्यादा लोग, अगर मैं एक मोहतात अंदाजा कर रहा हूँ तो 70-80% से ज्यादा लोग ऐसे थे जो तरन्नुम में ही अपना कलाम पेश किया करते थे, लेकिन जब राहत साहब ने अपना कलाम तहतुल्लफ में पेश किया और पेश करके इस दर्जा कामयाबी हासिल की तो उनके साथ के जो भाई बाद आने वाले हम जैसे लोग उनको फॉलो करें ये तो एक आम बात है और होती है बुजुर्गों के साथ, लेकिन उनके साथ के जो हमासर और उनके जो सीनियर्स उस वक्त मौजूद थे उनमें से कई लोग जो तरन्नुम में पढ़ा करते थे उन्होंने राहत साहब को सुनने के बाद उन्हें ये एतमाद आया कि अगर शेर अच्छे हों तो आप तहत में भी सुना के दाद दे सकते हैं, तो उन्होंने तहतुल्लफ में शेर सुना है। जहां तक बात है उनके शेरों की तो उनके शेर ऐसे हैं कि जो उनकी आवाज में जिस तरह के मालूम होते हैं आज यूट्यूब पर मौजूद हैं, मेरे ख्याल में आप अगर आप उसको वीडियो अगर दिखा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं एक दो शेर उनके सुना देता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने अपनी खुश आंखों से लहू छलका दिया, मैंने अपनी खुश आंखों से लहू छलका दिया, लहू एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। ये एक
अलग बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर की उनकी शायरी थी। कि जैसे एक उनकी गजल जो इन दिनों बहुत मशहूर हुई, जिसका एक शेर आपने पढ़ के सुनाया कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, और इस तरह के बहुत ही अलग बड़ा एक मिजाह का, एक हास्य का पुट भी कई बार उनके कलाम में नजर आता था कि उससे मिलना शेर में जहन में नहीं है। कि बहुत सारे शेर हैं, एक साथ कई सारे शेर उनके याद आ रहे हैं, कौन सा सुनाऊं कौन सा ना सुनाऊं। बस एक शेर सुनाता हूं जो हम जैसे कितने लोगों को उसने एक मिशल राह, एक राह के दीपक बनकर के रास्ता दिखाया उनके शेर में। कि रिवायतों की परंपराओं की, रिवायतों की सफ़े लाइनें, रिवायतों की सफ़े तोड़कर बढ़ो वरना, रिवायतों की सफ़े तोड़कर बढ़ो वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। और ये वो एक मशवरा था जिस पर उन्होंने खुद अमल किया। दुनिया तरन्नुम में पढ़ रही थी, उन्होंने तहत में पढ़ा, और तहत भी ऐसा कि शेर लगता था कि जब तक लिखित रूप में होता है शेर तो उसे पढ़ सकता है आदमी, लेकिन उनके शेर सुनने के बाद मालूम होता है कि शेर सिर्फ एक शरीर था। और जब राहत साहब ने खुद अपने शेर को पढ़ना शुरू किया तो उसमें एक बार फिर आत्मा का प्रतिष्ठापन किया और वो शेर जिंदा होके हमारे दिलों में कानों से होते हुए उतर गए। बिल्कुल मारूफ भाई, जैसा कि आप कह रहे हैं, जैसा कहा जाता है कि शायर किसी कौम का नहीं होता, राहत साहब ने अपने आप को ऐसा सिद्ध भी किया। हालांकि बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के समय राहत साहब ने एक शेर कहा था कि टूट रही है हर दिन मुझ में एक मस्जिद, इस बस्ती में रोज दिसंबर आता है। इसके बाद कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए, जिसके बाद राहत साहब ने एक संदेश देने की कोशिश की कि ये बात किसी कम्युनिटी को लेकर उन्होंने नहीं की, बल्कि 1947 में जो हिंदुस्तान बना और जो विश्वास कायम हुआ उस विश्वास को लेकर उन्होंने ऐसी बात की थी। उन्होंने एक शेर और कहा कि दरे मस्जिद पर कोई सह पड़ी है, दुआएं बेअसर होगी हमारी। हालांकि राहत साहब ने रामचरित मानस के एक संस्मरण को लेकर, रामचरित मानस के कथानक को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा उम्दा शेर कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में न दीवार उठे, मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में न दीवार उठे, मेरे भाई मेरे हिस्से की जमी तू रख ले। वाह वाह। तो राहत साहब के बारे में जैसा कि आपने हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को बताया, निश्चित रूप से राहत साहब जन जन के शायर थे। वो जब भी शेर कहते थे तो ऐसा लगता था कि कोई शायर शेर नहीं कह रहा है, जैसे लगता था कोई आशिक शेर कह रहा हो। जी जी, कह सकते हैं आप। तो जी जी, तो आप उनके व्यक्तित्व से अच्छी तरह परिचित रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मंचों से राहत साहब का जाना और शायरी को लेकर उनका जो अंदाज था, मुझे नहीं लगता कि अब इसकी पूर्ति कहीं से भी हो पाएगी। तो ये मंचों के लिए खाली खालीपन जो दिखेगा अब मंचों पर, इसको लेकर आप कैसा सोचते हैं? आज का साहित्यकार कैसा सोच रहा है, आज का शायर कैसा सोच रहा है, और गजलकार कैसा सोच रहा है? अनुज भाई, बिल्कुल सही कहा आपने कि राहत इंदौरी साहब एक शख्स या एक शख्सियत नहीं थे, बल्कि वो एक चलती फिर यूनिवर्सिटी थे, जिसमें बराबर आप अगर उस पास से गुजर जाएं या थोड़ी देर आप उनके पास रुक जाएं तो बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे दर्स आप उनसे करते थे जो आपकी जिंदगी का प्यारे इंसान। मैंने उनसे पूछा था, अपनी दुनिया में आया तो मैंने उनसे पूछा मशवरा दीजिए, एक मतलब लोग बहुत कम अल्फाज में बड़ी बातें कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन, जो पहली पंक्ति के तमाम शायर हैं, जिस दिन आप ये कर ले गए कि हर शायर को ये लगने लगा ये मेरा अपना है, बस वो आपकी कामयाबी का दिन होगा। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई, कभी भी किसी शायर को आप टारगेट करके कि इस बंदे से मेरे खराब है, मेरी इससे नहीं बनती, और इत्तफाक से, संयोग से वो आपके संचालन में पड़ गया, तो उस वक्त अपनी सारी दुश्मनी, अपने सारे जो मामलात हैं उसको किनारे रख देना और अपने संचालन धर्म का, निजामत का जो मजहब है उसका तुम पालन करते हुए उसका एक अच्छे से, बल्कि और ज्यादा कराना। ये दो बातें उन्होंने बताई और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई जो मेरी जिंदगी में वक्तन वक्त मुझे याद आते हैं। उनके घरों में था निकाल लेना और उसमें पैदा कर लेना। तो अब बस क्या करूं, ये समझिए कि स्तंभ का, और हिंदी में भी वही मकबूलियत हासिल थी कि एक नाम
नहीं रहा, उनकी जो कमी है वो क्यों पूरी नहीं कर सकेगी, क्योंकि उन्होंने हमें दी है। और आप ये समझे कि उर्दू मंचों पर उनके पहले शायरी सुनाई जाती थी और उस पर लोग मतलब अपने सुनाते थे, अच्छे शेर पर दादी थी। उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि शायरी अच्छी एक है, उसके बाद मिलनी चाहिए, लेकिन ये एक परफॉर्मिंग आर्ट भी है। आप इसे एक अगर आप चाहे ऐसे ढंग से पर बड़े बड़े जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज हैं उनका उनका बदल आप बन सकते हैं। कई बार ये हो सकता है कि आदमी एक फिल्म YouTube पर देखने के बजाय आपको सुनने लगेगा अगर आप उसको जाने उसका पालन। ये सिर्फ उन्होंने वाणी नहीं कहा बल्कि उन्होंने करके दिखाया, और कितने लोगों ने उनके पद चिन्हों पर चले, उनके पीछे चल करके उन्होंने अपनी एक जगह बनाई, अपना एक मुकाम बनाया। जैसा कि मारू भाई हम सब लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि मौत ही जीवन की अंतिम सच्चाई होती है, और राहत साहब भी इस सच्चाई से कहीं ना कहीं वाकिफ थे, इस सच्चाई से कहीं ना कहीं रूबरू थे, तभी उन्होंने कभी लिखा था कि दो गज ही सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। तो राहत साहब निश्चित रूप से जो लिखते थे वही जीते थे, और आज के दौर में ऐसे शायर मिल पाना बहुत मुश्किल है। राहत साहब ने हमेशा देश की बात की, देश में रहने वाले लोगों की बात की, और ऐसा नहीं है राहत साहब ने जब भी देश में देखा जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं या सरकारों में जो कमियां हैं उनको भी अपनी शायरी के माध्यम से राहत साहब रेखांकित करते रहे। तो ये निश्चित रूप से हिंदी और उर्दू दोनों मुल्कों के लिए, दोनों मुल्कों की जबान के लिए बहुत ही दुखद है राहत साहब का जाना। मारूफ भाई मैं अंत में चाहूंगा आपसे कि आप एक बार अपने शब्दों में पुनः राहत साहब को कैसे श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। अनुज अवस्थी भाई बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया उनके बारे में कुछ कहने का। मैं शुरू में श्रद्धांजलि पूर्वक कुछ शेर अपने पेश कर चुका हूँ, और बस क्या श्रद्धांजलि किन शब्दों में दी जाए, बस ये कहिए कि हम उर्दू जगत वालों का एक बहुत बड़ा सरपरस्त, हमारा एक बुजुर्ग, एक सुतून हमारे उर्दू अदब का, एक खंबा, एक आधारशिला आज हमारे बीच नहीं रही, एक यूनिवर्सिटी हमारे बीच से रुखसत हो गई है, और उनका जाना जो एक खला, एक जगह पैदा कर गया है वो शायद ही कभी कभी नहीं भर सकती। और वो आज ये बहुत बड़ा एहसान है इस नई दुनिया का कि YouTube और दूसरे जराए से वो अब कैद हैं, और हम उनको जब चाहें हम उनको कई बार उनसे रूबरू हो पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चीज है, और उनके जरिए हम उनसे मिलते रहेंगे, बराबर उनसे मुलाकात करते रहेंगे, और वो हमेशा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, और हम उनके लिए दुआए मगफिरत करते रहेंगे कि अल्लाह उन्हें बहुत अच्छी जगह रखे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, और इस वक्त जो पहाड़ उनके घर वालों पर टूटा है हम दुआ करते हैं कि उन्हें सब्र करने की ताकत ईश्वर अल्लाह अता फरमाए। मारूफ भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद रायबरेली एक्सप्रेस की ओर से कि आपने अपना समय शायरी के उस बादशाह के लिए निकाला जिसे आने वाली कई पीढ़ियां कभी भूल नहीं पाएंगी।